हूँ तो भाई आज का सवाल आपसे ये है कि भाई अगर आप सभी लोगों को टिकटॉक ना चलाने को मिले, यानी चलाने को टिकटॉक आप सभी लोगों को ना मिले, तो आप सभी लोगों को कैसा फील होगा, यानी आपके दिल को कैसा सुकून मिलेगा, बताइए अपनी राय यहाँ ऊपर दी गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातें मिला लो, दबा दो इस लाइक बटन को थोड़ा प्यार से। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपडेट की निकल कर आता है टिकटॉक को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदेश आया है गूगल को और एप्पल को कि भाई आप सभी लोग अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को पूरी के पूरी तरीके से हटा लीजिए। तो भाई समस्या यहाँ पर अब हो गया है, अगर आप सभी लोग टिकटॉक का यूज करते हैं तो अब आप सभी लोगों को चलाने को नहीं मिलेगा, यानी कि पूरी के पूरी तरीके से टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया है। यहाँ पर गूगल को और एप्पल को आदेश दे दिया गया है और भाई आदेश सभी को मानना है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या भविष्य होता है इस टिकटॉक का। हालांकि मैं तो यूज नहीं करता हूँ, अगर आप सभी लोग इसका यूज करते हैं यानी टिकटॉक का यूज करते हैं तो यार पूरी कहानी लिख दो नीचे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की निकल कर आता है वन प्लस की तरफ से। और तो OnePlus यहां पर लेकर आने वाला है अपने सभी यूजर्स के लिए OnePlus TV। कहने का मतलब है कि बहुत जल्द आप सभी लोगों को टीवी देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से। यहां पर कंपनी ने साफ कर दिया है कि बहुत जल्द आप सभी लोगों को OnePlus की तरफ से टीवी देखने को मिलेगा। भाई समस्या नहीं यार, खुशी की बात है कि भाई बहुत जल्द, यानी कि यार OnePlus हम सभी लोगों के लिए, हम सभी यूजर्स के लिए टीवी और स्मार्टफोन दोनों एक साथ लेकर आ रहा है, तो कितने ज़्यादा खुशी की बात होती है। अब देखते हैं कि ये जो OnePlus की तरफ से टीवी आने वाला है हम सभी लोगों के लिए कब देखने को मिलता है, कब से हम सभी लोगों को इसके बारे में जानने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की निकल कर आता है फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लेकर। अगर दोस्तों आप सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो पिछले 30 दिनों में ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ पर डाउन हो गए थे। तो क्या आप सभी लोगों को समस्या हुई थी, अगर आप सभी लोग फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी के फोटो पर अगर आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो क्या किसी प्रकार का कोई समस्या आपको देखने को मिला है फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में? क्या है आपकी राय, बताइएगा पूरी राय यहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की निकल कर आता है जियो की तरफ से। और दोस्तों जियो यहाँ पर तैयारी कर रहा है फ्लाइट के अंदर जितने सारे जियो के यूजर्स हैं या फिर जियो के यूजर्स नहीं है उन सभी लोगों के लिए फ्लाइट के अंदर इंटरनेट मुहैया कराए। यहाँ पर प्रोसेस यही चल रहा है। अब देखते हैं कि जो इंटरनेट का जो पैक है, डाटा है, हम सभी लोगों को फ्लाइट के अंदर कब देखने को मिलता है जियो की तरफ से। हालांकि यार काफ़ी खुशी की बात होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है हम सभी लोगों को फ्लाइट के अंदर कब देखने को मिलता है जियो की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले अपडेट की निकल करता है हैकर्स को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर हैकर्स ने अपना रास्ता बदल दिया है। कहने का मतलब ये है कि हैकर्स ने, जो हैकर्स होते हैं, इन्होंने अपना जो हैकर्स वाला जो काम रहता है उसको छोड़ दिया है। ये नहीं है, इन्होंने रास्ता ये बदला है कि जितने सारे सकते हैं, आप लोग को पता है कि यार इतने रुपए, इतने बड़े बड़े डाटा, इतने महंगा महंगा का जो डाटा है उसको यहाँ पर साफ कर देते हैं, फिर बदल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हैकर्स जो हैं, इन्होंने रास्ता ये बदला है कि जो बड़े बड़े डाटा होते हैं, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं पैसों का, फिर बदल करते हैं उन चीज़ों का, तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो डाटा है, जो बड़े बड़े अमाउंट हैं, उन चीज़ों का यहाँ पर आप मिनिमम यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका डाटा है, आपका अमाउंट है बैंक में या फिर किसी प्रकार का कोई डाटा है, तो वो आपके जो डाटा है वो बड़े बड़े डाटा को यहाँ पर फेरबदल नहीं करेंगे, अब वो छोटे छोटे डाटा का यहाँ पर फेरबदल कर रहेंगे। तो भाई समस्या होती है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी हो, साइबर क्राइम यार काफ़ी ज़्यादा समस्या बन चुका है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में। क्या आप सभी लोगों को कोई ऐसी समस्या देखने को मिला है, सुनने को मिला है? क्या आप सभी लोगों को कोई ऐसा समस्या फील हुआ है? क्या है आपकी राय, जरा लिख दो नीचे कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों बस यार आज की इस वीडियो में यही इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल आज इस वीडियो में यही।